तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये तुम्हारा आज टेस्ट है। नमस्कार, सिरसा तेज वेब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रमोद और वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर याज के साथ इस समय मौजूद हूं गांव खैरेका में। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शिक्षा एक्सप्रेस की तस्वीरें हैं और ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला है कन्या खैरेका गाँव की। और हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव का युवा क्लब लक्ष्य 2020 व समस्त ग्राम वासी खैरेका के सहयोग से ये जो शिक्षा एक्सप्रेस स्कूल में तैयार की गई है। हमारे साथ पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक के कुछ विद्यार्थी भी शिक्षा एक्सप्रेस के बिल्कुल समक्ष खड़े हैं। और हमारा आना ये इसलिए हुआ है कि यहाँ ये जो क्लब है, युवा क्लब लक्ष्य 2020, ये लगातार सराहनीय कार्य कर रहा है। निजी कोष से पैसा एकत्रित कर ये शिक्षा एक्सप्रेस और स्कूल को अच्छे से तैयार कर दिया है। स्कूल के अंदर की तस्वीरें जहां ये शिक्षा एक्सप्रेस है, इसके अंदर भी हम आपको ले चलेंगे। उससे पहले हम इन विद्यार्थियों से बात करेंगे। चूँकि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये सिरसा ज़िले का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ इन युवाओं ने इस स्कूल की तस्वीर बदल दी है। बेशक इस स्कूल में 147 विद्यार्थी हैं और ख़ास बात ये भी है कि इन विद्यार्थियों में से 70% जो विद्यार्थी है वो गांव के अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं। और कहीं ना कहीं इन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए इन युवाओं ने अच्छा कदम उठाया है। जिन युवाओं की तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो युवा हैं जिनके मन में कुछ कर गुजरने की ये उम्मीद रखते हैं और इसी को लेकर के इन्होंने गाँव की तस्वीर बदल दी है। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में ये लगातार सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम विद्यार्थी हैं और ये पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा के विद्यार्थी हैं, इनसे भी हम लगातार बातचीत करेंगे। उसके बाद हम आपको शिक्षा एक्सप्रेस के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। तो इस समय हमारे साथ विद्यार्थी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं पांचवी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो क्या लक्ष्य क्या है आपका, क्या बनेंगे आप? क्या बनेंगी? मैं बड़ी होकर एक टीचर बनूंगी। मैं अपने मेरी क्लास के जो विद्यार्थी होंगे मैं उनको बहुत अच्छी शिक्षा दूंगी। क्या बात है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कंचन है। कंचन है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती हूँ। पांचवी क्लास में पढ़ते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? जैसे आपके क्लब का लक्ष्य है कि 2020 ये कहीं ना कहीं पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की उनकी सोच है, उसकी सोच को इन युवाओं ने आगे बढ़ाया है कि हमारा देश, भारत देश 2020 में एक विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। तो आप क्या बनेंगी, क्या लक्ष्य है आपका? मैं टीचर बनूंगी। टीचर बनेंगी, दोनों जो आप टीचर बनेंगी। आपका क्या नाम है जी? माय नेम इज खुशबू। खुशबू, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती हूं। क्लास में पढ़ती हैं। तो आप क्या बनेंगी, लक्ष्य क्या है आपका, बड़ी होकर क्या बनेंगी? मैं बड़ी होकर पुलिस बनना चाहती हूं। पुलिस बनना चाहती हैं। पुलिस क्यों बनेंगी आप? क्योंकि जो गुंडे होंगे उनको पकड़, गुंडों को आप सबक सिखाएंगी। क्या बात है, बहुत अच्छे। आपका क्या नाम है जी? माय नेम इज लितिका। लितिका, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अरेनिंग क्लास फिफ्थ। अच्छा, तो आप क्या बनेंगी, आपका क्या लक्ष्य है? टीचर। टीचर बनेंगी। टीचर, बच्चे टीचर ज्यादा बनना चाहते हैं ना, टीचर में कोई खास बात क्या है? आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड। तीसरी क्लास में पढ़ती हैं। तो सुनीता, आपको कैसी शिक्षा मिल रही है यहाँ इस स्कूल में, कैसा लग रहा है आपको? आपके स्कूल की तस्वीर बदल दी गई है, अच्छी खिलौने हैं, LED लगाई गई है। हालांकि सरकारी स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं नहीं हो पाती, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, गुड। आपका क्या नाम है जी? सलोनी। सलोनी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड। तीसरी क्लास में। तो आपका क्या लक्ष्य है, क्या बनेंगी आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी। डॉक्टर बनके क्या करेंगी? दुनिया को बचाएंगे। दुनिया को बचाएंगे, बिल्कुल। आपका क्या नाम है जी? समेस्ता। समेस्ता, आप कौन सी क्लास में है? फोर्थ। फोर्थ क्लास में है। तो आपके माता पिता क्या काम करते हैं? रोजगार पे जाते हैं। अच्छा अच्छा, रोजगार पे जाते हैं, क्या बात है। तो आप क्या बनेंगी, बड़ी होके क्या बनेंगी? टीचर। टीचर बनेंगी। टीचर बनके इस तरह से ही जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगी आप। आपका क्या नाम है जी? शायर। शायर,
शायर, क्या नाम है? शायर। शायर, तो आप कौन सी क्लास में हैं? थर्ड। थर्ड में, तो आपका क्या लक्ष्य है, क्या बनेंगी आप? टीचर। टीचर बनेंगी, आप भी टीचर बनेंगी, क्या बात है। ये तमाम स्कूल के विद्यार्थी थे जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। अब हम जो युवा क्लब के सदस्य हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले बताएंगे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं गांव खैरेगा के जिनके पास पैसा होता है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाते हैं, और हमारे गांव के बच्चे लगभग कई गरीब स्थिति भी है, उनका भी दिल करता है भी हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ें। तो हमने सभी युवा ने, युवा क्लब ने ठान कर एक मुहिम चलाई भी हम भी अपने गाँव के स्कूल को ऐसा बना देंगे कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में ना जाएँ और सरकारी स्कूल में पढ़ें। तो ये सारा आपने इस स्कूल को जो शिक्षा एक्सप्रेस तैयार की है और जो तमाम चीज़ें स्कूल को दी हैं, तो ये सारे युवाओं ने ये पैसा इकट्ठा किया है, कितना खर्च आ गया इस पे लगभग 60,000 प्लस खर्च आया हमारा, और ये सारे युवाओं ने अपने निजी कोष से दिया है, जैसे कि सभी युवा लगभग बेरोजगार हैं हमारे। ठीक है सर, और इनकी सभी की एक सोच है भी हम अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन करें। तो हम जो पैसा आज का युवा नशे के अंदर लगा रहा है या और गलत कामों में, तेल डलवाने में, बाइक में, जियो में पैक डलवाने के लिए लगा रहा है, वो उस चीज़ को छोड़ के हटकर हम अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। तो हमने ये पैसा जो हमारा इकट्ठा किया था हमने यहाँ पर लगाया, और ये आपके सामने है जो हमारा पैसा लगा हुआ है। जी थैंक यू। इस और इस समय हमारे साथ जो क्लब के संस्थापक भी हैं जिनकी एक सोच थी, जिस सोच को आज ये युवा आगे बढ़ा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सुशील विष्णु। तो ये आपने कब स्थापना कब की क्लब? 2003 में। 2003 में, तो लगातार उससे जो है लगातार हम मतलब गांव में अलग अलग हट के कुछ करना चाहते हैं, मतलब एक जुनून है कुछ करने का जी, जो हर बार कुछ नया करने की सोचते हैं। जी थैंक यू। आपका क्या नाम है जी? विनोद कंबोजी। तो आपके क्लब के कुछ ऐसे कार्य बताइए हमारे दर्शकों को कि क्लब क्या क्या कार्य कर रहा है। देखिए जी सर, पहला कार्य तो अब ये आप देख ही रहे स्कूल के अंदर जी। नशे के खिलाफ भी काफ़ी हम लड़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से गांव के अंदर नशा बहुत ज़्यादा हो चुका है, और हम चाहते हैं कि आगे से आगे नशा ख़त्म हो गाँव के अंदर, और अच्छा कोई ना कोई काम ऐसा किया जाए जिसके अंदर मतलब कल को गाँव आगे की तरफ बढ़े, और बस यही कहूँगा जी। थैंक यू। हमारे साथ कुछ और सदस्य भी हैं क्लब के जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर क्या नाम आपका? सर नवजोत रंधावा हूँ मैं जी। एक्चुअली क्या होता है कि हमने पहले भी गांव में काफ़ी काउंसलिंग वगैरह की कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं ज़्यादा बढ़ें, क्योंकि लोग ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि लोगों की मैंटेलिटी यही होती है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो काफ़ी हमने प्रयास किए, पिछले साल भी किए, उससे पिछले साल भी किए, लेकिन इस साल कुछ अलग किया कि बच्चों के लिए एक प्ले पैटर्न, एक क्लासरूम ऐसा तैयार किया जाए कि बच्चे अट्रैक्टिव हों आने के लिए। और हमने गाँव से भी काफ़ी सहयोग लिया, खुद ने बहुत सहयोग किया, और जहाँ तक क्लब की बात है तो क्लब हम समय समय पर बहुत सारे कार्य करते रहते हैं जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम संदीप बलजोत जी। अब हम क्लब का, जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इसी हिसाब से हमारी स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी तैयार है जी, शौचालय, सार्वजनिक शौचालय भी तैयार हैं, तो और सफाई अभियान, पौधारोपण जैसे सारे काम हम क्लब, एक गांव को हमने गोद ले लिया जी, हमारा गांव है, इसको हमने ऊपर लेके जाना है जी। ये स्कूल में जो है कमरों की कमी है, और एक ये जो मैं तीसरी क्लास के विद्यार्थी हैं ये, जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये बरामदा है, लेकिन इसको कमरों की कमी होने के कारण इसको कमरे का रूप दे दिया गया है। आप देख रहे हैं कि ये एक पंखा जो आप नज़र आ रहा है ये स्टाफ सदस्यों ने पैसे एकत्रित करके लगवाया है, तो दूसरा पंखा है वो गांव में किसी पूर्व सरपंच ने यहाँ स्कूल को दान किया है। आप देख रहे हैं चिक वगैरह जो लगी हुई है, इस इन बच्चों को इस गर्मी में लू से बचाने के लिए चिक लगाई गई है। ये जो यहाँ की जो इंचार्ज है उन्होंने अपने घर से यहाँ लेके आए हैं, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सराहनीय प्रयास क्लब के अलावा स्कूल के जो स्टाफ सदस्य हैं उनका भी शिक्षा देने का एक प्रयास इन क्लब के सदस्यों ने किया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सवर और व्यंजन है, तीसरी जो दीवार है उस पर वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और मात्राएं, चौथी जो दीवार है उस पर मछली जल की रानी है। ये कविता हमने भी बचपन में खूब सुनी है, और आप देख भी रहे हैं कि जोनी जोनी यस पापा, तमाम वो चीज़ें हैं। क्या नाम आपका? शालू रानी। तो मैडम ये किस तरह से, जैसे अब ये शिक्षा एक्सप्रेस तैयार की है, तो यहाँ बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? बच्चों को क्रेज़ हो रहे हैं, क्रेज़ है उनमें कि इस क्लास में कौन बैठेगा, बच्चों में पहले ही हो रहा है ये, तो इससे पढ़ाई में बहुत सुधार आएगा, इस चीज़ का बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ एक ओरली बतानी, एक उनको दिखाकर जो चीज़ उपलब्ध करवाई जाए उसका बहुत बेनिफिट है। मानना है क्लब के जो प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्लब ने बहुत अच्छा प्रयास किया है,
और मैं तो यही कहना चाहूँगी जो जिन लोगों ने हमारे पे विश्वास रखा है और प्राइवेट स्कूल से इस बार भी बच्चे आए हैं, तो मैं तो यही इनको विश्वास दिलाती हूँ कि इनका विश्वास हम तोड़ेंगे नहीं, टूटने नहीं देंगे और इनका भरोसा बना ही रहेगा हमारे पे। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।